खाना खराब होने का अक्सर कारण मोल्ड या फंगस होता है। मोल्ड या फंगस आने के कारण खाने का स्वाद और उसकी बनावट खराब हो जाती है। अब ऐसा खाना देख के हमें खाने का मन तो होगा नहीं, और ऐसा खाना खा लिया तो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर टाइप का फंगस हमारे लिए हानिकारक होगा, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिससे दूसरे फूड्स बनाए जाते हैं, जैसे कि खासकर डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज, बटर और दही गुड बैक्टीरिया से ही बनते हैं। कुछ खाने में जो बैक्टीरिया होते हैं वो हम आंखों से देख नहीं पाते हैं, लेकिन मोल्ड या फंगस ऐसे होते हैं जो हम देख सकते हैं, और खाने पे फंगस चढ़ता है तो उसका कलर और टेक्सचर बदल जाता है। अगर खाने पे मोल्ड या फंगस दिखे तो क्या करना चाहिए? मोल्ड या फंगस हार्ड या सॉफ्ट फूड दोनों पे लग सकता है। सॉफ्ट फूड पे फंगस लगे तो उसे पूरी तरह फेंक देना चाहिए, क्योंकि फंगस या मोल्ड ऊपर दिखाई दे तो भी उसकी मेन शुरुआत तो रूट से ही होती है, और सॉफ्ट फूड में फंगस या मोल्ड बहुत ही जल्दी डिसॉल्व होके खाना खराब कर देता है। लेकिन अगर कोई हार्ड फूड में फंगस या मोल्ड लगता है तो उस खराब पार्ट को कट करके आप यूज कर सकते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं तो वो है ऑनियन। उसमें फंगस लग जाए तो आप उतना पार्ट कट करके ऑनियन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पूरा ऑनियन खराब होगा तो उसे फेंक ही देना चाहिए। काफी बार आपने देखा होगा कि ऑनियन पे ब्लैक पाउडर जैसी कोटिंग दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं कि ये कोटिंग क्या है? बहुत से लोग ब्लैक कोटिंग को धूल या मिट्टी जैसे समझते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑनियन पे ब्लैक कोटिंग धूल या मिट्टी नहीं है, बल्कि एक टाइप का फंगस है। अब ये फंगस क्या है, ऐसा ऑनियन हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑनियन पे दिखने वाला ब्लैक कोटिंग दिखने में मिट्टी जैसा तो जरूर दिखता है, लेकिन ये एक टाइप का फंगस है जिसे एस्पेरिगिलिस ब्लैक मोल्ड कहते हैं। ये फंगस ज्यादातर वार्म क्लाइमेट में ग्रो होता है, जैसे कि सदर्न स्टेट्स में क्लाइमेट ज्यादा गर्म होता है, इसीलिए वहाँ पे जो ऑनियन ग्रो होते हैं उस पे ब्लैक मोल्ड फंगस ग्रो होता है। फार्मर्स को ये बात पता नहीं चलती है, क्योंकि ये फंगस ज्यादातर ऑनियन के अंदर होता है, और हॉट क्लाइमेट में एस्पेरिगिलिस फंगस बहुत ज्यादा पाया जाता है। एस्पेरिगिलिस ब्लैक मोल्ड ज्यादातर सॉइल में होता है। जैसे ऑनियन जमीन के अंदर ग्रो होते हैं, इसीलिए इसमें यह फंगस पाया जाता है। ये बात जान के आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ऑनियन का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। अगर ऑनियन पे थोड़ा सा फंगस हो तो उसे ठंडे पानी में धो के यूज कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट है आप ऑनियन को नमक के पानी में भिगा के रखें, क्योंकि नमक किसी भी बैक्टीरिया को नष्ट करने में काफी पावरफुल होता है। लेकिन अगर ऑनियन के अंदर के लेयर्स भी पूरी तरह फंगस से ब्लैक है तो उसे बिल्कुल भी यूज ना करें। ऐसे ऑनियन को तो तुरंत फेंक देना ही अच्छा रहेगा। एस्पेरगिलिस ब्लैक मोल्ड से कोई बीमारी होने के चांसेस कम है, लेकिन अगर इस फंगस का ज्यादा क्वांटिटी में आपके बॉडी में गया तो एस्पेरगिलोसिस नाम की बीमारी होती है। एस्पेरगिलोसिस के कारण कफ, चेस्ट पेन, फीवर और सांस लेने में तकलीफ, ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। सबसे जरूरी बात, अगर किसी को एस्पेरगिलिस नाइजर की एलर्जी है तो ब्लैक मोल्ड ऑनियंस बिल्कुल यूज ना करें। तो ये थी जानकारी ऑनियन पे ब्लैक मोल्ड क्या होता है उसके बारे में। इस फंगस की ग्रोथ कंट्रोल करने के लिए फार्मर्स ने काफी सारे पेस्टिसाइड दवाओं का इस्तेमाल किया है, लेकिन अभी तक कोई भी पेस्टिसाइड इस फंगस को रोकने में काम नहीं आया है। ऑनियंस को स्टोर करने के लिए एक इम्पोर्टेंट टिप बताना चाहती हूँ। आप अगर घर में ऑनियन स्टोर करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ पे ज्यादा गर्म वातावरण ना हो। कम से कम 32-40 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में ऑनियंस को स्टोर करें, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यह फंगस वार्म क्लाइमेट में ज्यादा बढ़ता है, इसीलिए अगर ऑनियंस को ऐसे ही वार्म क्लाइमेट में रखेंगे तो उसके अंदर का फंगस ज्यादा बढ़ेगा, या फिर ऑनियन को फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं जिससे वो अच्छे रहेंगे। इसलिए आप जब भी ऑनियंस का इस्तेमाल करें तब इन बातों पे जरूर ध्यान दें। अब इस इन्फॉर्मेशन को आप सबके साथ शेयर जरूर कीजिए, और आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप सबको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।